अजमेर की गंज थाना पुलिस ने चैन स्नैचिंग की वारदात करने वाले दो आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे चेन की बरामदगी करने के साथ ही अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाने के एएसआई बलदेव चौधरी ने बताया कि विगत 7 जून 2022 को वर्धमान बिहार फाई सागर रोड की रहने वाली ललिता अग्रवाल पत्नी नटवर लाल अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सुबह मॉर्निंग वॉक कर गई थी। इसी दौरान दो बदमाशों ने उनके गले से चेन तोड़ ली और फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया तो जानकारी मिली ये दोनों आरोपी क्रिश्चनगंज थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। इस मामले में दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों को जल्द पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। और युवादी श्रीमती ललिता अग्रवाल पत्नी श्री नटवरलाल अग्रवाल फतेहपुरिया भवन वर्धमान विहार फैसागर रोड की रहने वाली है, जिसने दिनांक 7/6/2022 को थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं सुबह 6 बजे घूमने के लिए गई थी। उसी दौरान दो युवक एक मोटरसाइकिल पर आए थे, जिन्होंने मेरे से झपट्टा मार के चेन छीन के तोड़ के ले गए। आदि पर मुकदमा नंबर 211/22 धारा 392 में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान आरोपियों की पहचान की गई, जो पूर्व में थाना किशनगंज से मुकदमा में जैसी रिमांड पर थे, जिनको कल दिनांक को कोर्ट नंबर माननीय न्यायालय 2 नंबर कोर्ट से जरिए प्रोडक्शन वारंट गिरफ्तार करके थाने पर लाया, जिनसे मुकदमा का माल मसरू का बरामद किया गया। बाद अनुसंधान आज जैसी करवाया जाएगा। कौन है ये लोग? ये अजमेर के निवासी रोशन पुत्र मोहनलाल जाति रेगर, दूसरा हिमांशु पुत्र ताराचंद जाति माली है। दोनों ही अजमेर के रहने वाले हैं, जिनको बाद अनुसंधान जैसी करवाया जा रहा है।